सो हेलो एवरीवन, अभी हम लोग कवर करेंगे जो WNBA का मैच होने वाला है शिकागो स्काई वर्सेस डालास विंग्स के बीच में। ठीक है, पूरा डिटेल में आपको सारी चीज़ें बता दी जाएगी। अगर आप मेरे यूट्यूब के चैनल को आज फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो गाइज चैनल को आपको सब्सक्राइब ज़रूर करना है। ठीक है, और राइट साइड में नीचे जो आपको बेल आइकन दिख रहा है उसको आपको प्रेस ज़रूर करना है, क्योंकि जो कुछ मैं अपडेट्स दूंगा आपको स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग लाइनअप और इंजरी न्यूज़ के, तो ये सारे डिटेल आपको मेरे यूट्यूब के वीडियो में मिलेंगे। तो इसीलिए चैनल को आपको सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और जैसे मैंने बताया कि राइट साइड में नीचे जो बेल आइकन दिख रहा है उसको प्रेस ज़रूर करना है। ठीक है, सेकंड चीज़ गाइस, अगर आप टेलीग्राम यूज़ करते हो तो टेलीग्राम पे आपको सर्च करना है रोहित द हिटमैन। ठीक है, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मेंशन किया है, वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जुड़ सकते हो। लाइनअप और इंजरी न्यूज़, जो कुछ लास्ट मिनट में अपडेट्स आएंगे सारी चीज़ें आपको मेरे टेलीग्राम चैनल रोहित द हिटमैन पे प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है गाइस, सीधा बात करते हैं स्टैट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे शिकागो स्काई का लास्ट मैच का परफॉर्मेंस। 98-87 से विन किए, और अभी का जो मैच होने वाला है वो क्वार्टर फाइनल से WNBA का, तो मेन प्लेयर ज़्यादा टाइम खेलेंगे। ठीक है, ये मैच में क्या हुआ था, ये मैच कुछ ना इंपॉर्टेंट नहीं था लास्ट मैच जो हुआ था, इसलिए आपको दिख रहे बेंच के प्लेयर ज़्यादा खेल रहे थे, लेकिन कल ऐसा नहीं होगा। कल जो स्टार्ट करेंगे मोस्ट प्रोबेबली वही आपको ज़्यादा टाइम कोर्ट पे दिख सकते हैं। तो स्टार्टिंग लाइनअप में थी कूपर, देख सकते हो, बाद में पार्कर, एली क्विगली, कटनी वैंडरस्लूट, अजूरा स्टीवंस। ठीक है, परफॉर्मेंस देखते हैं, केली कूपर 27 मिनट्स में 13 पॉइंट्स, 1 रिबाउंड, 3 असिस्ट, 2 स्टील। बाद में है कैंडेस पार्कर 23 मिनट में 6 पॉइंट्स, 4 रिबाउंड, 4 असिस्ट। एली क्विगली 21 मिनट्स खेली थी, 15 पॉइंट्स, 8 रिबाउंड, 1 असिस्ट। वैंडरस्लूट 17 मिनट्स में 2 पॉइंट्स, 2 रिबाउंड, 5 असिस्ट, 1 स्टील। अजूरा स्टीवंस 8 पॉइंट्स, 3 रिबाउंड, 1 असिस्ट, 1 स्टील। ठीक है, बेंच से खेली थी एंडोर 24 मिनट्स में 12 पॉइंट्स, 4 रिबाउंड, 1 असिस्ट, 1 ब्लॉक, 1 स्टील। डायमंड डिशिल टॉप स्कोरर थी उस मैच में, 23 पॉइंट्स, 23 मिनट्स में 30 पॉइंट्स, 7 रिबाउंड, 6 असिस्ट, 1 ब्लॉक, 2 स्टील्स। डाना एवंस 19 मिनट्स में 8 पॉइंट्स, 1 रिबाउंड, 4 असिस्ट। बाद में है रुति हेबर्ड 17 मिनट्स में 4 पॉइंट्स, 4 रिबाउंड, 2 असिस्ट, 1 ब्लॉक, 1 स्टील। ठीक है, तो ये परफॉर्मेंस था लास्ट मैच का, और लास्ट में खेली थी ब्राउन जिसने 14 मिनट में 1 रिबाउंड लिया था। तो ये शिकागो स्काई का परफॉर्मेंस हम लोगों ने देख लिया। अभी हम लोग बात करेंगे डालास विंग्स के परफॉर्मेंस की। 87-84 से विन की थी लास्ट मैच। परफॉर्मेंस देखते हैं, अलीशा ग्रे 36 मिनट्स में 12 पॉइंट्स, 7 रिबाउंड, 1 असिस्ट, 3 स्टील्स। बाद में एरिक ओगुनबोवले 36 मिनट्स में 20 पॉइंट्स, 2 रिबाउंड, 3 असिस्ट, 2 स्टील्स। काइला थॉर्टन 23 मिनट्स में 4 पॉइंट्स, 2 रिबाउंड, 2 असिस्ट, 1 ब्लॉक, 1 स्टील। मोरिया जेफरसन 18 मिनट्स में 5 पॉइंट्स, 2 रिबाउंड, 2 असिस्ट, 1 ब्लॉक, 1 स्टील। बेला एरिरे 7 मिनट्स, 6 पॉइंट्स, 1 ब्लॉक। बाद में है इसाबेला हैरिसन 22 मिनट्स, 14 पॉइंट्स, 4 रिबाउंड, 1 ब्लॉक, 1 स्टील। मैरिना मैब्री 20 मिनट्स में 16 पॉइंट्स, 3 रिबाउंड्स, 5 असिस्ट, 1 ब्लॉक। टाइशा हैरिस 10 मिनट में 6 पॉइंट्स, 2 रिबाउंड, 1 असिस्ट। क्वियर देख सकते हो 9 मिनट में 1 रिबाउंड, 2 असिस्ट, 1 स्टील। बाद में सट्टाउ सैबली 6 मिनट में 2 पॉइंट, 1 रिबाउंड, 1 असिस्ट। तो ये परफॉर्मेंस था डालास विंग्स का। सीधा बात करेंगे प्रोबेबल टीम कॉम्बिनेशन के बारे में। तो सबसे पहले देख सकते हो आप जो पहला सेक्शन है, वहाँ से मैंने पॉइंट गार्ड सेक्शन से पिक किया एरिक विगली को। ए उगुन बावले गाइस 17 क्रेडिट है, मैं क्रेडिट मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, अपने टीम की मेन प्लेयर है और ज़्यादा टाइम कल खेलेगी। अगर आप क्रेडिट मैनेज कर रहे हो, कर सकते हो, तो इसको अपने टीम में ज़रूर लेना। ठीक है, मैं इस पर रिस्क लेके जाऊंगा कल के मैच में। एली क्विगली को मैंने यहाँ से पिक किया है। बाद में शूटिंग गार्ड सेक्शन से मैंने पिक किया है ए ग्रे को, डायमंड डिशिल को, एम जेफरसन को। ठीक है, एम जेफरसन को आप ड्रॉप कर सकते हो, इवंस को ले सकते हो। ठीक है, या फिर आपको दूसरा जो बेस्ट ऑप्शन रहेगा वो बी एलरी रहेगा, अगर वो स्टार्ट करती है तो। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं एम जेफरसन को अपने टीम में रखूंगा। SF सेक्शन से मैब्री गाइस बढ़िया पिक है। ठीक है, केलिया कूपर 13.5 क्रेडिट, अगर आप मैनेज कर सकते हो इसको ले लेना, स्टार्ट करिए कल के मैच में। PF सेक्शन से मैंने पिक किया सी पार्कर, हॉट पिक है कल के मैच की कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए। ए स्टीवंस को मैंने पिक किया जो स्टार्ट करेगी। तो गाइस और एक यहाँ पे थॉर्टन 11 क्रेडिट में, देख सकते हो आप यहाँ से डायमंड डिशिल या फिर के थॉर्टन को आपको पिक करना है। ठीक है, फिलहाल के लिए जाऊंगा मैं थॉर्टन के साथ जो स्टार्ट करेगी कल के मैच में। डिशिल बेंच से खेलेगी, लास्ट मैच का परफॉर्मेंस देख लेना एक बार, 52 पॉइंट्स है। ठीक है, अगर आपको लेना है तो आप इसको ज़रूर ले सकते हो। फिलहाल के लिए जाऊंगा मैं थॉर्टन के साथ। सेंटर से मैंने पिक किया गाइस
इसाबेला हैरिसन को, ठीक है। अगर गाइस कल के मैच में सैबल स्टार्ट करती है तो मैं इसको पिक करूंगा। लास्ट मैच में इंजरी के कारण कम टाइम खेले, अगर इसका परफॉर्मेंस आप देख लेना और स्टार्ट के मैचेस का इसका परफॉर्मेंस देख लेना, ठीक है। एवरेज 30 पॉइंट्स देती है जब ये स्टार्ट करती है, तो इसको अगर स्टार्ट ये करेगी तो इसको मैं पिक करूंगा। अगर ये स्टार्ट नहीं करती है तो इसाबेल हैरिसन के साथ में जाऊंगा। तो ये मेरा टीम का प्रोबेबल कॉम्बिनेशन रहेगा। एसपी मेरी रहेगी कैंडेस पार्कर और पीपी मेरी रहेगी मैबरी, ठीक है। मैबरी गाइस बेंच से स्टार्ट करेगी और एक आपको यहाँ से ऑप्शन दिलाता हूँ मैं, मैबरी बेंच से खेलेगी और जैसे मैंने कहा कि ओगुन बाउले स्टार्ट करेगी। अगर आपको यहाँ पे ओगुन बाउले लेना रहेगा, जयपर्सन को ड्रॉप कर सकते हो, ओगुन बाउले को पिक कर सकते हो और यहाँ से एक वेस्ट प्लेयर आपको अपने टीम में रखना पड़ेगा। तो ये कॉम्बिनेशन के साथ भी अगर आप जाना चाहते हो तो जा सकते हो, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन के साथ अगर आप जा रहे हो तो पीपी के लिए आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं, सेकंड चॉइस ए ग्रेड, ठीक है। बेस्ट ऑफ प्लेयर है ये भी अपने टीम के लिए, तो इसको भी आप पीपी कर सकते हो, मैबरी या फिर ए ग्रे को। अभी ये मेरा प्रोबेबल कॉम्बिनेशन है, फाइनल लाइनअप है कि क्योंकि बहुत सारे प्लेयर गेम टाइम डिसीजन होते हैं, ठीक है। जीटीडी मतलब गेम टाइम डिसीजन, वो जो मैच के आधे घंटे पहले या फिर 5-10 मिनट पहले या फिर उससे भी पहले 1-2 मिनट पहले उसका इन्फॉर्मेशन आता है, तो वो सारी चीज़ें मेरी टेलीग्राम चैनल रोहित एटमैन पे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। लाइनअप और इंजरी अपडेट, तो इसलिए चैनल को जुड़ना है आपको रोहित एटमैन सर्च करके। तो गाइस ऑल द बेस्ट फॉर दिस मैच। स्मॉल लीग ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन अभी से बना के रखना, ठीक है। ये मेरा प्रोबेबल कॉम्बिनेशन रहेगा कल के मैच के लिए। सो वंस अगेन ऑल द बेस्ट फॉर दिस मैच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।